अभी अगले वीडियो में हमने देखा कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीडियम शून्यावकाश की हाजिरी में और डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की गैर हाजिरी में गैर मौजूदगी में हमने कैपेसिटर की वैल्यू निकाली सी जीरो इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी, वो हमने मालूम की। अभी क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट है। ओके, नाउ यू इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन देम, कोई अवाहक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके दोनों के प्लेट के बीच आप लोग रख दो तो क्या होगा। सो इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर देन वॉट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लेट टू वन प्लेट अनदर प्लेट, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। सिग्मा इज ए परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, सॉरी एप्सिलॉन इज ए परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम बोलेंगे हम लोग, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। देखो पहले क्या हुआ था, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो था पहले, शून्यावकाश था तभी, ओके कोई भी मीडियम नहीं था तभी, लेकिन अभी एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये एप्सिलॉन ये ही है, ये रखना पड़ेगा हमको। ओके प्लीज डू रिमेंबर, सो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलते हैं, या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, ओके परमिटिविटी ऑफ ए मीडिया डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, ये जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। क्लियर, सो एप्सिलॉन जीरो इंटू के इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ ए मीडिया। सो ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू ये वाली वैल्यू इधर हम रख सकते हैं। ओके ई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन जीरो इंटू के। ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री, इसका मीनिंग क्या है। देखो ये के है, ये डिनोमीटर में आता है, तो पहले क्या थी, ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो था पहले, ये के नहीं था, शून्यावकाश था तभी के नहीं था, अभी के डिनोमीटर में आया, उसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज वन अपॉन के टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हम प्रूव कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फील्ड इनसाइड द बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग वन अपॉन के टाइम्स। ओके नाउ अगेन वी इक्वल टू ई इन टू डी, ये हम लोग मालूम है, अभी अगले वीडियो में चर्चा कर गए हम लोग। ओके ओके नाउ व्हाट इज ई, ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और अगेन व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी। ओके इक्वल टू सॉरी चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज ए चार्ज डेंसिटी, माफ करना। ओके ये ई इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन है, इसी तरह से वी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इन टू डी। सो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, मालूम है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू डेंसिटी। क्लियर, तो ये सिग्मा की वैल्यू हम इधर रख देंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू परमिटिव ऑफ मीडियम इक्वल टू दिस, ये रिलेटिव परमिटिविटी है उसके बारे में से हम लोग, ये हमको मालूम है एप्सिलॉन जीरो इंटू के, यहाँ के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके नाउ अगेन हमको मालूम है, ओके क्यू बाई ए, क्यू बाई ये क्यू है, ओके और वी डिनोमीटर में लाएंगे हम लोग, वी डिनोमीटर में लाएंगे तो क्यू बाई वी इक्वल टू क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ओके एप्सिलॉन जीरो इंटू के इधर आएगा, ओके ए वो भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और डी डिनोमिनेटर में आएगा, सो के ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी। ये वाली वैल्यू कौन सी है, पहले हमने निश्चित किया था अगले वीडियो में, ये वाला है कैपेसिटर की वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल, शून्यावकाश वाली कैपेसिटर की वैल्यू है ये वाली, ये है सी जीरो है, सी इक्वल टू के इन टू सी जीरो। सो वॉट इज इस मीनिंग इज कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज के टाइम्स, इंक्रीज के टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, ओके इन प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग बट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। थैंक यू।